पाकिस्तानी शख्स नसरुल्ला के प्यार में पागल हुई अंजू अपने पति बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान भाग गई थी। अब लगभग 4 महीने के बाद अंजू वाघा बॉर्डर के रास्ते वापस लौट आई है। जैसे ही अंजू भारत लौटी, भारत की सुरक्षा एजेंसी चौकन्ना हो गई। अंजू से एजेंसियों ने लंबी पूछताछ की। अंजू के पास फिलहाल नसरुल्ला संग शादी से जुड़ा कोई भी दस्तावेज नहीं था। हालांकि पूछताछ में अंजू ने पाकिस्तानी रक्षा कर्मियों के साथ किसी भी तरह के संबंध होने से इनकार किया है। उसने बताया है कि वो अपने बच्चों के लिए भारत वापस आई है। जांच और कस्टम पूरी तरह से क्लियरेंस के बाद वो अमृतसर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। इस बीच हर कोई सवाल पूछ रहा है कि एयरपोर्ट से अंजू किसके साथ गाड़ी में बैठकर गई। जानकारी के मुताबिक अंजू एक गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट से तो निकली, लेकिन वो अब कहां गई इसका पता किसी को नहीं लग पाया है। जिस गाड़ी में बैठकर अंजू निकली थी वो हरियाणा के नंबर की गाड़ी थी और उस गाड़ी पर प्रेस का स्टिकर लगा हुआ था। हालांकि पाकिस्तान से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची अंजू ने किसी भी मीडिया कर्मियों से किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मीडिया कर्मी पूछते रह गए कि आपको अंजू कहें या फातिमा, मगर अंजू ने चू तक नहीं की। गौरतलब है कि अंजू दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची तो मीडिया ने उसे घेर कर कई सवाल किए, लेकिन उसने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। अंजू ने इतना जरूर कहा कि वो पत्रकारों से बात करेगी, मगर अभी नहीं। वहीं ऐसा नहीं है कि अंजू ने मीडिया से बिल्कुल बात नहीं की। जब वो वाघा बॉर्डर पहुंची तो उसने कहा कि वो खुश है। इसके अलावा भारतीय मीडिया से हिचकिचाती अंजू पाकिस्तानी मीडिया से खुलकर बात करती नजर आई और पाकिस्तान यात्रा को यादगार बताया। वहीं अपनी बेटी को मृत मान चुके उनके पिता भी ग्वालियर में मीडिया से बचते नजर आए। बता दें, राजस्थान के अलवर की रहने वाली अंजू अपने फेसबुक फ्रेंड नसरुल्ला से मिलने इसी साल जुलाई में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा गई थी, जहां उसने इस्लाम धर्म अपनाकर नसरुल्ला से निकाह करने के बाद अपना नाम फातिमा कर लिया। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।